दुख के साथ कहनी पड़ रही है बात, यू विकलांग है ए, यू दब दे और तनु बोलना चाहिए ना, हाँ जी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, मदद घंटा करेंगे ये है आठ नहीं मिले चू भी करता ही हूँ। वेंटिलेटर पे है, तड़फड़ लग रही है और मामले या सूचना दे दी ना बचा लो है एमरजेंसी नंबर। वो कहा नहीं करा बोला एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, आज एक घर शामी भी है। खुद वेंटिलेटर पे है, तड़फण लग रही है और मामले या सूचना दे दी इन्हें बचा लो। हेलो न्यूआ बन दी होगी, न्यूए जुगरिस्कल बन रही नहीं अमित गल, रुक जा भाई रुक जा, न्यूआ बना है सारे भाई ना। राम राम, मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू और मैं देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। आंकड़े काकड़े पूरा देख लिया, राजनीतिक जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो हो लिया और जिन राजनीतिक दल के तम सारा दिन तो आंकड़े देखने लग रहे हो वह दल 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 हो लिए गुट गुटम गुट हो रहे हैं। चक्कर छोटो त्रिशूल अपनाओ, इब काम की बात पर आओ। काम की बात यही है, एमरजेंसी नंबर है, मैं इस टाइम हाईवे पर हूँ, नेशनल हाईवे पर, और एमरजेंसी नंबर इस टाइम इसकी पोल खोलेंगे लाइव, क्योंकि ये बनाए जा रहे हैं जो अज्ञात स्थल होनी अज्ञात स्थान ओड़े बनाए जाओ, ताकि आपने मान लो गाड़ी में कोई दिक्कत होगी, एमरजेंसी दिक्कत होगी, एक्सीडेंट हो गया या कोई समस्या होगी, आपने एकदम एमरजेंसी में SOS यानी कि आपकी जिंदगी ने बचाने के लिए आपात सेवाओं की सुविधा है करा या। तो इसका हम इसके बारे में एक बात कहूँगा मैं, मतलब बड़ी मतलब दुख के साथ कहनी पड़ रही है बात, यू विकलांग है, यू जो टेलीफोन यू SOS एमरजेंसी नंबर दिया है भाई भगवान थे और अंत मार लाइट, यू जो SOS है नहीं यू सो रहा है, यानी कि यू विकलांग है, आज भी इसकी पोल खोलेंगे, आज उड़ान मोहित उड़ान था दिखांदर हो। देखो भाई आप जब भी टोल ले जाओ तो नूई से बात के लिए आ जा रहे, यू गुंडा टैक्स है, हालांकि मैं इसने गुंडा टैक्स क्यों कहूँ, 150 की लड़ाई को नहीं, मैं कहूँ भाई सुविधा दो टोल लो तो यह बात है, यह फैसिलिटी में आवा है, फैसिलिटी क्या है, यू एमरजेंसी नंबर है आड़ते चुकर अमित उड़ाना भाई उड़ाना देख अमित आड़ते रुक के मारा है मार रुके यू यू देखो न्यू सिस्टम हुआ है सप्ताह पहले बटन दबूंगा। हेलो कोई नहीं सुनता, हाँ मतलब बह रहे नहीं ज्यादा नहीं है, और दूसरी बात नेटवर्क की लाइट नहीं है, नेट देखो भाई आज मोहित आज देखो पावर गुल नेटवर्क गुल कॉल एक्टिव मतलब नो मतलब डीएक्टिव, यानी कि ये देखो फिर यू लिख दिया प्रेस द बटन फॉर हेल्प लेकर दिया कुछ नहीं, कायदे से क्या होगा बटन दबा और आड़े की लोकेशन NHI का जो कंट्रोल रूम है पहुंचेगी और मनु कहूंगे आज हम पहुंचा जी, और जित भी अज्ञात स्थल हो ओडा इसकी जरूरत पड़ेगा, हालांकि दिल्ली के जो रिंग रोड है वो चप्पा चप्पा बहे क्योंकि रास्ते पे चल जाए लोग, तो ठीक इसमें तो नंबर यू प्रेस कर दें, लोकेशन जो है वो NHAI का कंट्रोल रूम में जाओगी, वो एम्बुलेंस ने पुलिस चौकी वाले ने थाना वाले ने जो भी दिक्कत है और यो एकदम इसका सिस्टम के द्वारा सीधे हटते या लोकेशन जाओगी कंट्रोल रूम में, और उन्हें नोट ऑन की जरूरत को नहीं अग भी कड़े कड़े क्योंकि यहाँ से ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी फैल ये तो हाथी के दांत खाण की ओर दिखाण की ओर दौड़ा हाथी आज ये सारे आंकड़े काकड़े बतेरे देख लिए, आज इस वीडियो ने देखो दिखाओ सुनो सुनाओ शेर सवा शेर बबर शेर करते रहो। और मैं आपने बता दूं जब आप पर गुंडा टैक्स ले आ जावे है तो उससे पहले आपके लिए एक और नियम बताऊं हूं मैं, हाईवे पर जंप नहीं होना चाहिए, ये भाई आ रहे हैं जुगर भाई बीच में ईसा मिला भाई कितने जंप ना मिला होगा तो ईसा आया होगा नू गाड़ी उछली होगी फ्लाईओवर के ऊपर है, फ्लाईओवर के ऊपर है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम विशाल है जी, मैं यहीं का हूं। अच्छा मेरा नाम सूरज है जी। अच्छा आप क्या करो भाई? मैं अभी तो फ्री हूं फार्मर है। अच्छा अच्छा हां जी, तो ये देखो जंप आते है ना जी जी यहीं पे, देखो जंप नहीं होना चाहिए हाईवे पे कितने भी, और कितने भी खड्डे नहीं होने चाहिए गड्ढे, और इसके साथ साथ आपको स्टोर मिलने चाहिए जगह जगह, स्टोर मिले कोई कितने पानी की बोतल लेनी पड़ जाए, चाय पानी पीना पड़ जाए, स्टोर मिला पता क्या, जैसे जो गांव के होते हैं रेडी वगैरह लगा लेते हैं उनको भी उठा देते हैं, अब जैसे बस स्टैंड ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, ये गेरा एक कह रहा है तो तोड़ दिया, यहाँ पे क्या करते थे चलो गांव वाले होते गरीब बंदा होता है चलो दो वक्त की रोटी अपने कर ली जूस की पानी की रेडी लगा ली,
उसको भी उठा देते हैं हाईवे वाले आके। अच्छा ये तो दूर की बात है, ये देखो झुंड से उनने बैठा दे। तो दूसरी बात की थी तो हमने वॉशरूम मिला है भाई, शौचालय नहीं मिला जी। और जब मिल गया तो मैं सड़े हुए पाऊंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक हाल है जी। एक मैं आपको बताऊं भाई, विशाल भाई है ना आपका नाम, आपका भाई सूरज। एक डायलॉग बोलो पहले तो, बोले एक छिक्का, एक छिक्का जो मूछों का आकार बदल दे, जो मूछों का आकार बदल दे। ये छिक्का हटवा दिया तो बच गई नहीं मूछ आपकी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं तो मूछों का आकार बदल दे। छिक्का समझ रहे हो? छिक्का हाँ जी हाँ जी समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, उसी बात का बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अब तो सांस आ रहा है, सांस पूरा आ रहा है। आप ना बता दूं, मैं जब भी कितने टोल पर क्रॉस करो आप तो कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए, और आप पूछ सको भी पिछली बार लास्ट टाइम इसकी सर्विस कर मेंटेन कर कौन आए। मेंटेन नहीं है, यूं मेंटेन होना चाहिए। पहली बात तो जब मनुखों को खराब है तो यूं मेंटेन होना चाहिए भाई। नू बताओ मार पाछे पुकार होया करेगी, तूफान आने तो पहले तो तंबू बनना चाहिए। ये तो नू को भाई यू ठीक होगा अगर फिर मिलेगा, इसका मतलब कोई तड़प का मर जाओगे आड़े तो फिर बाबा बोला मार पाछे पुकार थोड़ा। अरे ये देखो याड़े लार के बोर्ड ये लगा रखे हेल्पलाइन नंबर, तो ये है एमरजेंसी नंबर। ये देखो भाई, तो फिर इनका क्यों है इसका गल गल पे तो इवे तो मैंने कहूंगा दर्शक ने आंकड़े उकड़े कम देखो, राजनीति वाला चक्कर छोड़ दो आज। आज तो हम इस चीज ने देखो भाई, अपने फैसिलिटी के नाम पे यूके है और आपके फिर फास्टैग के नाम पे, टोल टैक्स के नाम पे और गुंडा टैक्स लिया जा रहा है। सुविधा दो टोल लो। हाँ सही सलामत है ना, कुछ नहीं बिगड़ रहा इसका। उसके देखो कान बोला एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, आज एक घर से भी है। उन्होंने दिखा दू गाड़िया दिखा दे, आ जाओ भाई आ जाओ। यू देख लो भाई, यू देखो भाई, रे विशाल विशाल देख भाई इसका हाल देख ले। ए यू देखो, यानी कि एक हेल्पलाइन इसे खातर बुलानी पड़ेगी भाई। यू खराब है, यू खुद हेल्पलाइन है, यू खुद विकलांग है, खुद विकलांग है, बात सही है जी आपकी। यू तो सिस्टम ही ऐसा जी। अच्छा अच्छा, यू हेल्पलाइन है ना, खुद विकलांग हो गया। चिड़िया ले उछे ले ले, कोको कोको लेगी, कोको घोसला बन रहे इसमें। आज दिखा दिखा देख बरे दिखा भाई। और इवन ना को पूछा जाके नुको पे लास्ट टाइम कद से मारा था, कोई जवाब नहीं। और आप इन पे नुआ लिखड़ जो गुंडा टैक्स लेके, लेकिन कदे हिसाब नहीं लेते इन चीजों का। पैसा आ रही है, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा आपने पे ले जाओ। तो यह चीज दिखाना चाहूँ था मैं, इसलिए रुका था। और भाई ये देख लो, ये है आपात सेवा, यानी कि जो आपात सेवा वह खुद आपात में है, खुद इमरजेंसी में है, खुद विकलांग है, दिव्यांग है, कुछ लाऊ हैंडीकैप तो रही है सुविधा। ये देखो तोड़ रखा रही हो, फिर इनकी ड्यूटी पर बनाए मेंटेन करेंगे, मेंटेन कोई नहीं करता। अरे ये देखो भाई है खंबा पता नहीं कहा, पहले खंबा पता तार हल दी तेरी, इनके तो तार टूटे रही है, हल भी कौन रही। तो इसलिए कहा भाई जागो और जगाओ, तो ना अन्याय करो ना सहो, अन्याय करण तो बड़ा पाप अन्याय सहना है। तो भाई इसके बारे में दो शब्द प्यार भरे क्या कहना चाहोगे ऐसे उसके बारे में, जो इमरजेंसी नंबर है। इस प्यार को क्या नाम दे, इस प्यार को क्या नाम दे, इस प्यार को टूटी तार, इस प्यार को गद्दार नाम ही देंगे। तो दिखावा दिखावा, इसको हम खच्चर का प्यार कहेंगे ना। तो ये बात होगी ना, ये तो देख लो आप जी जी जी। ये है भाई यार की कदम मैं दिखा रहा हूँ, और आप नून दिखा दे भाई, दिखा दे ये देखो। तो आपकी जागरूकता के लिए मैं बता दूं, हर टोल प्लाजा के ऊपर आइड्रा होनी चाहिए, उस पर जेसीबी होनी चाहिए, उसके ऊपर एम्बुलेंस होनी चाहिए, और कम से कम दो दो होनी चाहिए। और ये जो बूथ है ये इमरजेंसी के लिए यूज होने की चीज़ है, और खासकर जो अज्ञात स्थल हो, अज्ञात स्थान हो, ओड़े बनाए जावे हैं ताकि आपने कोई एकदम दिक्कत आ जाए तो आपने लोकेशन बताने की जरूरत को नहीं, ये लोकेशन ऑटोमेटिक को करेंगे। लेकिन इसकी तो लोकेशन का क्या करें, इसकी तो तारे टूट रही है। तो फिलहाल और इसके गले गले आपने जब भी आप टोल पर जाओ, स्टोर चेक करो, वॉशरूम देखो, ये देखो, और फिर मैंने कहूँ और हाईवे के जंप देखो, जब जंप है क्या बड़ा कितने एक्सीडेंट मौत के हाईवे बन गए, एक्सीडेंट जंप की वजह से एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी कंट्रोल में रहनी है नहीं तो हो जाए काम खराब। जो अंबाड़ा है ना अपना अंबाड़ा, अंबाड़ा पहले सिर्फ दो ही हैं, इस अलग चले जाओ जनरल में गया हूँ, मैंने पूरी छाने ये और कहीं नहीं है इस हाईवे पर। चलो हम तो नू देख कहे थे माँ वो खराब है तो यू ठीक होगा, वो खराब है मेड़ा यू ठीक होगा, लेकिन ये तो काम हो रहा है। पहले एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दोनों आगे घर उजड़ रहे हैं,
और दूसरी बात बोले मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो उखड़ा उखड़ा रहता है, ये दोनों उखड़ रहे हैं। ठीक है ना भाई, खंभा तो तारा हल नहीं रही, टूट रही है। तो इस वीडियो ने जी लगा शेयर कर दियो, कुछ चीजें थी जो मैंने बतानी थी, कुछ भाई नु सोचे भैया 150 की लड़ाई है, 150 की लड़ाई को नहीं, देख 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 मोहित, यह 150 की लड़ाई को नहीं, यह लड़ाई है जायज और नजायज की, ठीक और गलत की, सच और झूठ की, अच्छा और बुरा की। हमने पहले भी कहा था, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना भके, बिना डरे, बेबाकित है, मुद्दा ने थावा भी गे और उसका समाधान भी करांगे। मुद्दा ने मुद्दा को निपटन देंदे हैं और ना मुद्दा की हत्या होने देंदे हैं, ना मुद्दा की हत्या होने देंदे भाई। फिलहाल इस दौड़ा हाथी पे, इस दिखावा पे, इस डकोसड़ा पे, इस आडंबर पे और इस हाथी का दांत खाण के और दिखाण के और पे तो मैं लाइव जुड़िया था और इसका रजाई का उछाड़ हमने तारिया है। तो हम बताइए लोग गड़गड़ करते बैठ रहे हैं, फिलहाल खाट का बाण हमने उधेड़ दिया है और नू भी तो हमने बताना है, ये जो फैसिलिटी का नाम पर अपने पर गुंडा टैक्स लिया जा रहा है और इस गुंडा टैक्स को तो हम कितना जायज मानो हो और जो ये लिया जा रहा है इसमें जो ये घुसड़म घुसड़म घुसड़ाम हो रहा है, ये जो मामला है, ये दाल काली अग दाल में काला अग पूरा पतीला काला, कॉमेंट करके बता दियो। फिलहाल इस हैंडीकैप्ट एमरजेंसी सेवा पता मैं लाइव जुड़िया था, देखा यह हैंडीकैप्ट किया तो सस्का है, तड़फे है, खुद इसने एक एम्बुलेंस की जरूरत है, खुद एमरजेंसी नंबर ने एक एम्बुलेंस की जरूरत है, तो यह खतरा हो रही, तो फिर ये बताओ हैं कौन बचा हुआ भाई, इसे ना बचा लो पहले तो NHAI का जो स्टाफ है उन तक हम यह बात पहुँचाना चाहूँ वहाँ भाई, वो ध्यान दे लो, मेंटेन रखो, सुविधा दो, टोल लो, कोई बातें नहीं, लेकिन सुविधा नहीं तो टोल भी नहीं भाई, क्यों भाई, फैसिलिटी नहीं तो टोल की सा, फिर जो गुंडा ही टैक्स है फिर तो इसे दिखावा पर आडंबर पर घोसला पे छोड़ दे भाई। देखो यू हुआ है घोसला, जो दर्शक लेट जुड़े हो नहीं, यू दबदे हैं, देखिए मोहित है नहीं सीन पे, ए यू दबदे हैं और उड़ तो बोलना चाहिए ना, हाँ जी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, और मदद घंटा करेंगे ये हैं, आड़ नहीं बोले चू भी करता ही हूँ। इसका तो इसमें लागे बीमारी वाला है, ई की बीमारी है इसमें तो हैं। चलो फिलहाल इस हैंडीकैप्ट एमरजेंसी सर्विस जो कि खुद वेंटिलेटर पर है, तड़फण लग रही है और मामने या सूचना दे दी, इन्हें बचा लो और इसको ओके करो, दुरुस्त करो, ताकि किसी भाई की जान न से खतरा हो, कोई भी एमरजेंसी होने कोई दिक्कत नहीं आवे, और नहीं तो फिर वह कहावत है मार पछे पुकार को नहीं, हर जान कीमती है। कर दो शेर भाई, हाँ भाई छोटे छोटे ला रखे हैं, दूर तक ही ना पता लगा कि है यूं अच्छा, बड़े बड़े लगाने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कॉलिंग दूर तक पता लगनी चाहिए भाई, और वहाँ इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। यू इधर डाल बना दिया, झोटा फार्म नहीं आ रहा है, झोटा फार्म आ रहा है यू, डंगराला डंगराला अस्पताल में। चलो कर दो शेर भाई।